दशहरा और दुर्गा पूजा को देखते हुए दिल्ली में ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। मंदिर मार्ग, पंचकुया रोड, कनॉट प्लेस आउटर सर्कल, मिंटो रोड समेत कई मार्ग 1 बजे से 5 बजे तक बंद रहेंगे। रिंग रोड पर राजघाट से बुरारी तक ट्रैफिक दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक प्रभावित रहेगा। दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सड़कों पर जगह जगह चेकिंग प्वाइंट बनाकर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड, कमांडो टीम, डॉग स्क्वाड टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। UAV समेत हवा में उड़ने वाले किसी भी व्हीकल के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी है। JNU में योगा कोर्स खारिज होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने नाराजगी जताई। महेश शर्मा ने कहा कि जब बात प्राचीन भारतीय कला की हो तो राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। उधर JNU की काउंसिल मीटिंग में मारपीट का भी मामला सामने आया है। कुछ टीचरों ने स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पपीते में सोना छुपाकर तस्करी का खुलासा हुआ है। करीब 77 लाख की कीमत के गोल्ड के साथ कस्टम विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पपीते में गोल्ड के कई बिस्किट बरामद हुए हैं। वारदात 9 अक्टूबर की है। दोनों आरोपी बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी बाबू उर्फ हुमायूं कादिर यूपी के अमरोहा में हसनपुर से पार्षद है। पुलिस की माने तो हुमायूं कादिर पिछले 30 सालों से अपराध की दुनिया में है। हुमायूं कादिर पर अलग अलग थानों में 22 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग के गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मसाज पार्लर में काम करने के लालच देकर अपहरण करते थे। गिरोह ने दिल्ली के एक लड़के साहिल को इसी तरह का लालच दिया और हापुड़ बुलाकर उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने साहिल को बरामद कर लिया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज शिवसेना की दशहरा रैली होगी। इस बार की दशहरा रैली कई मायनों में खास है। ये रैली का 50वां साल होगा। 1966 में बालासाहेब ठाकरे ने इसी मैदान में शिवसेना का गठन किया था। सड़कों की खुदाई से मुंबई वालों को होने वाली दिक्कत पर BMC सतर्क हो गई है। BMC अब बार बार सड़कों की खुदाई नहीं करेगी बल्कि एक ही बार में सारा काम खत्म किया जाएगा ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। VVIP सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 13 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी हैं। एक गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए है। केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार के मंत्रियों के दौरे पर इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली हुसैन नगर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। ट्रेन यार्ड से निकलकर CST के प्लेटफॉर्म पर जा रही थी तभी 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की वजह से ट्रेन 6 घंटे की देरी से रवाना हुई।